Hello friends, welcome to Maluka IAS, and today we are going to discuss about the topic again which comes into the news. जिसको हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, फिर से आ गया न्यूज़ में. जब हम एशियन एलिफेंट्स को डिस्कस कर रहे थे तो लगातार ये एलिफेंट्स के और ह्यूमंस के कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं. तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ फॉर्मर एंड द एलिफेंट. सो दिस इज अ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन वायनाड. सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, द वाइल्ड एलिफेंट अटैक्ड इन केरला. सुबैर कुट्टी द डेली वर्कर वाज अटैक्ड बाय अ रोग एलिफेंट एट सुल्तान बेथरी टाउन. नॉट इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें फैक्ट्स. The same elephant further charged at a bus and destroyed crops grown by 3 farmers on the same day. So why is it happening? What is the problem with these elephants? So elephants and humans ka conflicts bahut pehle se chala aa raha hai. Ye hum pehle bhi discuss kar chuke hain that elephants are not facing the problem of extinction. They are actually facing the problem of attrition. Jab bhi dono ek dusre ke contact mein aate hain, they become violent. Ab violent kyon ho jate hain? Kyunki unko lagta hai we are not safe in their company. We are not safe in their presence. Humans ko lagta hai that they are not safe in the presence of elephants, and elephants ko lagta hai that they are not safe in the presence of humans. Meanwhile, a herd of elephants raided a field of 500 plantains belonging to 2 farmers at Kallur, some 10 kilometers away from the Sultan Bethri. What is happening? What's the problem? See, humne humans ne jo natural habitat hai एलिफेंट्स का, उसको इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया है और उसकी जगह बना दिए हैं एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स. नेचुरली इट इज एन एलिफेंट कॉरिडोर और हमने उसमें एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स बना दिए. तो एलिफेंट्स को तो वहां से गुजरने की आदत है. जब फार्मलैंड्स बन जाएंगे तो फार्मलैंड्स की फेंसिंग कर दी जाएगी. जब फार्मलैंड्स की फेंसिंग होगी और एलिफेंट्स के मोबिलिटी के लिए कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज मैंने पहले ही बताया था फॉर दीज लार्ज मैमल्स मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरे ट्री को अपरूट कर देते हैं. Elephants are known for tree uprooting. तो जंगल को क्लियर कर देते हैं. तो farmlands और fencing वगैरह क्या है, तो ये irritate होते हैं इन सब चीजों से, right? तो farmers जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, human population बढ़ रही है, हिसाब से farmlands बढ़ रहे हैं. इसके लिए हम deforestation कर रहे हैं, जो कि इनका natural habitat है. There is an announcement for all of you. We are coming up with a new batch where we'll teach you about GS. फंडामेंटल क्लासेस एंड एडवांस्ड क्लासेस. ये बैच होगा 2024 के लिए. इसमें आपको जीएस की क्लासेस दी जाएंगी, एनसीईआरटी के लेक्चर्स दिए जाएंगे. उसके अलावा यहां पर आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल कराया जाएगा. हर 10 बच्चों पर एक मेंटोर होगा जो उनको थ्रू आउट द प्रिपरेशन गाइड करेगा अबाउट द सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अप्रोच, अबाउट द अप्रोच हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, हाउ टू डील विद द टिपिकल क्वेश्चंस इन मेंस एंड प्रीलिम्स, राइट. और प्रोग्राम अवेलेबल है केवल और केवल 21,999 रुपए प्लस जीएसटी में, जिसको आप पे कर सकते हैं 11 ईएमआईज में. अब इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की जड़ क्या है? तो इट रिफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमंस व्हिच रिजल्ट इन पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हिच रिजल्ट इन नेगेटिव. जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इट हैज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन पीपल. तो वो क्या हो जाएंगे, वो तुरंत दुश्मन बना देंगे एलिफेंट्स को, कि अब तो कहीं भी एलिफेंट दिखेगा तो उसके साथ वायलेंट बिहेवियर, कहीं भी एलिफेंट दिखेगा तो वायलेंट. अब जब आप वायलेंट बिहेवियर करोगे लगातार, तो एलिफेंट्स को भी लगेगा दे आर अनसेफ, ह्यूमंस आर अनसेफ, ठीक है. तो वो भी वायलेंट होंगे और वो भी हमला करेंगे. कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मैन एंड एनिमल हैव अकर्ड सिंस द डॉन ऑफ ह्यूमैनिटी, हाउएवर इट हैज कम टू लाइट एवर मोर इन द रीसेंट टाइम्स. रीसेंट टाइम्स में श्रिंक हो रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट श्रिंक हो रहे हैं. एग्रीकल्चरल फार्म लैंड बढ़ाने की वजह से, लैंड यूज पैटर्न चेंज होने की वजह से जो फॉरेस्ट्स हैं वो श्रिंक हो रहे हैं. इस वजह से एलिफेंट्स का जो हैबिटेट वो भी श्रिंक हो रहा है. और एलिफेंट्स चूंकि अपने हैबिटेट पहले से उनका है तो वो उसमें आ जाते हैं और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट. तो यहां पर कुछ डेटा दिया हुआ है मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. बिटवीन 2018 and 2021 एलिफेंट्स वर किल्ड By electrocution across the country. Electric fencing रखी है. खेत के चारों ओर electric fencing है, तो उसके electrocution की वजह से 222 elephants were killed. Although हमारे पास अच्छी खासी population है elephants की, then also it is endangered. क्योंकि ये attrition का शिकार हो रहे हैं लगातार, ठीक है. तो आप अगर इनको electric fencing करोगे, the elephant will pass through that wire, तो उसको क्या होगा, shock and he will be dead. तो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. हम एक की स्टोन स्पीशीज को इस तरह से हैंडल नहीं कर सकते हैं. दैट्स व्हाई देयर आर कैंपेन्स लाइक टेक गजा
टू प्रजा और हाथी मेरे साथी। ये हाथी मेरे साथी कैंपेन और टेक गजा टू प्रजा केवल इसीलिए है कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों में अवेयरनेस लाई जाए टूवर्ड्स एलिफेंट्स कि उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें वो, क्योंकि इफ दे गेट वायलेंट दे विल डिस्ट्रॉय ऑल द ह्यूमन सेटलमेंट। अमंग ह्यूमन कैजुअलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एनिमल्स एलिफेंट किल्ड 1579 ह्यूमंस इन 3 इयर्स, 585 इन 2019-20, 461 एंड 533। ठीक है, तो ओडिशा अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ किलिंग्स या डेथ्स एट 322। तो इससे हमें पता चलता है कि ह्यूमन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की ग्रेविटी क्या है। अब इसके पीछे रीजंस क्या क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है हैबिटेट लॉस, लैंड यूज पैटर्न चेंज होने की वजह से, जो फॉरेस्ट एरिया था उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसकी वजह से देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एलिफेंट एंड द ह्यूमंस। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, लगातार प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इस वजह से पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर ग्रोइंग, बट लैंड यूज पैटर्न की वजह से लैंड तो कम हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो उसका इंपैक्ट बहुत गलत पड़ रहा है। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया टू ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप फॉर फूड एंड फॉडर, क्योंकि जो इकोसिस्टम्स बचे भी हैं, जो उनके हैबिटेट्स बचे भी, उनमें फूड और फॉडर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो आ रहे हैं ह्यूमन एरियाज तक, ह्यूमन हैबिटेशन तक। अब ह्यूमन हैबिटेशन में या तो एग्रीकल्चरल फार्म लैंड होगा या तो लाइव स्टॉक होंगे, कोई ना कोई पेट जरूर होगा, ठीक है, तो वो लाइव स्टॉक को खा जाएंगे, इसी वजह से दुश्मनी हो जाती, राइवलरी हो जाती, ह्यूमंस एंड लायंस, ह्यूमंस या टाइगर्स, ह्यूमंस या लेपर्ड्स, या फिर ह्यूमंस और एलिफेंट्स। ठीक है, हैबिटेट डिग्रेडेशन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज भी लगातार आ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस कराते जा रहे हैं, जैसे कि अभी इसीलिए GM crops या BT crops, इनको क्यों नहीं introduce? Except that BT cotton, because invasive alien species को भी बढ़ावा दे सकते हैं। Impact क्या है? Impact सबसे बड़ा impact है that one of them will lose their life। ठीक है, rise in violence against animals, animals को दुश्मन की तरह देखा जाने लगेगा, damage of crops and agricultural land and injury to both animals and human, right? तो ये सारे के सारे points हैं कि इसके impact क्या पड़ेंगे। उसके अलावा what is the way out? Way out is to mitigate the conflict. अब conflict mitigation कैसे किया जाएगा? Again, I'll write those campaigns only. जब community का help लिया जाएगा, तो community को help लेने पर एक campaign है, take gaja to praja. अब ये करेगा कौन? ये करेगा elephant task force. Elephant task force in India, जिसको बनाया गया ministry ने, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, with the help of Wildlife Trust of India. So, ये ETF, Environment Elephant Task Force बनाया गया है. There are 8 countries जहां पर elephants पाए जाते हैं. इसको भी बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिए. इन 8 countries के आपको नाम पता होने चाहिए. ठीक है, ETF इंडिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है. African species जो है वो भी endangered and critically endangered है. उसके अलावा एक गजा टू प्रजा के अलावा हाथी मेरे साथी, हाथी should be considered as a साथी. तो दोनों के बीच में collaboration होना चाहिए. So these are the mitigative efforts. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. उसके अलावा ग्राम पंचायत को empower करना चाहिए, जिससे कि वो इन चीजों पर decision ले सके according to the legislation of Wildlife Protection Act. उसके अलावा future for all report क्या कहती है 2021 में आई, उसका मतलब है कि humans cannot survive, humans cannot sustain without the ecosystems and ecosystems cannot sustain without these animal species, right? Without wildlife. तो wildlife को sustain कराना जरूरी है, जिससे कि ecosystem sustain करे, और ecosystem को sustain करने के बाद ही आएगा humans का sustenance. ठीक है? तो this report was by World Wildlife Fund. उसके अलावा एक case study बता देता हूँ आपको, in the Zambezi area. ठीक है? वहाँ पर क्या हुआ Southern Africa में, कि lions का बड़ा प्रकोप था, वो लाइव स्टॉक को खा जाते थे, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाए लायन प्रूफ कोरल्स. कोरल्स का मतलब एक लैंड को कट करके वहां पर लाइव स्टॉक को रख दिया गया और उनको बंद कर दिया गया, जिससे कि लायंस जो है लाइव स्टॉक पर फीड ना कर सके. तो इसका खासकर मतलब था, दिन के वक्त तो प्रोटेक्शन देने के लिए कोई ना कोई बैठा रहता है, बट नाइट टाइम प्रोटेक्शन के लिए द कोरल्स आर गुड. ठीक है, विच लेड टू 95% रिडक्शन इन लाइव स्टॉक किलिंग्स. तो इंडिया को भी कुछ ऐसा ही
करना पड़ेगा जिससे कि एलिफेंट्स की जान भी ना जाए, एलिफेंट और इंसानों की दुश्मनी भी ना हो, और उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो जाए, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसके लिए प्रोग्राम चलाया गया रीहैब, प्रोजेक्ट रीहैब। मतलब क्या है? रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। अब बीज को क्या किया जाएगा? मान लीजिए घर है, ह्यूमन हैबिटेशन है, फॉरेस्ट और ह्यूमन हैबिटेशन के बीच में हमने हनी बीज उनको रख दिया, उनके बॉक्सेस रख दिया, और उन हनी बीज को एक बाउंड्री की तरीके बना दिया, तो वो बाउंड्री का काम करेंगी, और जब उनका जो साउंड होता है दैट इरिटेट्स एलिफेंट, तो एलिफेंट फॉरेस्ट में ही रहेंगे, वो ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ नहीं आएंगे। तो दिस इज प्रोजेक्ट रीहैब। ये चक्कर कौन रहा है? ये करवा रहा है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और आपने सुना होगा स्वीट रेवोल्यूशन और हनी मिशन, हनी के बारे में, नेशनल हनी मिशन ऑफ KVIC, उसका ये सब प्रोजेक्ट है, राइट? हनी मिशन इज रिलेटेड टू स्वीट रेवोल्यूशन 2016-17, राइट? उसके अलावा इंक्रीज्ड विजिलेंस, इसमें विजिलेंस रखना पड़ेगा कि एलिफेंट्स का मूवमेंट कैसा है, ह्यूमंस के साथ उनका किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हैबिटेट को, इन सीटू एंड एक्स सीटू हैबिटेट को इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन नहीं करना, अलाउ करना चाहिए, फॉरेस्ट को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट नहीं किया जाना चाहिए। उसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए जिसमें कि मैंने आपको बताया हुआ है टेक गजा टू प्रजा एंड हाथी मेरे साथी, राइट? द पुलिस ऑफिशियल्स फॉरेस्ट ऑफिशियल्स शुड बी एंड कम्युनिटी शुड बी ट्रेंड प्रॉपरली जिससे कि वो वायलेंट ना हो, एलिफेंट्स के साथ उनको कंट्रोल करने में हेल्प करें। सी कंक्लूजन में आप हमेशा जब भी ऐसा कुछ भी लिखा जाएगा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो आप यही लिखेंगे फॉर द सस्टेनेंस ऑफ ह्यूमंस द सस्टेनेंस ऑफ इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर द सस्टेनेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइक अ कीस्टोन एलिफेंट इज अ कीस्टोन स्पीशीज तो उसके सस्टेनेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को के सस्टेनेंस पर ध्यान दें। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़कर ह्यूमंस एंड एलिफेंट शुड कोलैबोरेट, दे शुड कोऑपरेट विद ईच अदर। द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज दैट बोथ आर सेफ इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, उनको अलग अलग एरियाज में रखा जाए, उसके लिए कौन सा प्रोग्राम। तो ये सारी चीजें हैं, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कई सारे पॉइंट्स मैंने बताया, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है, इट विल बी वेरी इजी, मॉडरेट लेवल आराम से कर सकते हैं आप। दिस वाज़ आवर डिस्कशन फॉर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, थैंक यू सो मच।